नमस्कार, मैं आपका दोस्त जेपी यादव, आपका जेके नेशनल न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की खास खबरें। मैं आया हूं बिहार जिला सीतामढ़ी प्रखंड बोखरा गांव झिटकी, जहां अभी से डेढ़ महीना पहले कुर्बान नाम करके एक नौजवान लड़के को गोली से भून दिया गया। आखिर उसका कसूर क्या था? आखिर लोग इतना आक्रोश में क्यों रहते हैं? आखिर उन बेचारे का जो जिसके पीछे मासूम छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, इस बच्चे को आखिर कौन पालन पोषण करेगा? इस बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर वो बेचारे का कसूर क्या था? मान लिया आज छोटी छोटी बात पर लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं, क्या किसी की जान वापिस आ सकती है? जमीन का मामला हो या जायदाद का मामला हो, पैसा का हो या कोई भी दौलत का मामला हो, हर चीज़ हासिल हो सकती है, क्या किसी की जान वापिस आ सकती है? आज प्रशासन इस पे ध्यान दे, प्रशासन चौकस क्यों नहीं होता है? इनके मुताबिक बशीरुल साहब जिनका लड़का मोहम्मद कुर्बान था, बशीरुल हक साहब का कहना है, बशीरुल साहब का कहना है, क्या डेढ़ महीना हो गया, 10 से 12 लोग FIR में आरोपी हैं, लेकिन शायद अभी 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, वो भी इन लोगों ने लोकेशन बताया, इन लोगों की मेहनत पे 2 आरोपी को अरेस्ट किया गया। बशीरुल साहब के मुताबिक पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है, क्यों नहीं ध्यान दे रही है? सर, आपका नाम सबसे पहले बताइए। मेरा नाम बशीरुल नदाफ है। मेरा लड़का के मर्डर कर दिया, गए जमीन लिखाने, उस दिन भी 10 डकैत लेके गया, वो आवेदन दरोगा के दिया, दरोगा आवेदन नहीं लिया। आखिर आपके बच्चे को किसने गोली मारा, कौन लोग शामिल थे और इसका कारण क्या है कि जो आपके बच्चे की जान ले लिया गया? जा कारण ये कि हमारी जमीन कब्जा किया है 7-8 कट्ठा। हमारा जमीन में घर भी बना हुआ है, और जब इस तरह का बात हुई तो हमारा लड़का कहा कि जब जमीन आप मारपीट के तो कोई फायदा नहीं है, नकल छोड़ा कर केवाला भी हमारा रखा हुआ है, केवाला ले आप नकल छोड़ा करके आप सिविल में केस। बच्चे का नाम क्या है? कुर्बान। मारने वाले लोगों का नाम क्या है? मारने वाला असगर, अशरफ, आसिक, अब्दुल्ले, असलम, इसके बाद असलम सरफे आलम शरीफुल, इसके बाद प्यारे दुल्ले अफजल, 12 आदमी हैं सर। तो अभी तक कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, आपको इंसाफ मिला है या नहीं मिला? अभी कोई इंसाफ हमको नहीं मिला है। इंसाफ दरोगा के जब हमको पता लगता है तो बोलते हैं आई बयान कर दो कि किसी के रेट नहीं करा, वो तो 2 को पकड़ाया, हमारा दमा जाकर के वहाँ जाकर के पकड़ा, नेपाल के बॉर्डर पर ले गया। पुलिस काम कर रहा है, जब ही तो 2 लोगों को अरेस्ट किया है, आखिर पैसा क्यों सोच रहे हैं? कोई काम नहीं कर रहा, सुपरविजन भी कर रहा है कि हम आदमी के छांटेंगे, हो सकता है कि वह सुपरविजन में आदमी के भी छांट सकता है। तो आप क्या चाहते हैं अभी पुलिस प्रशासन सरकार से क्या चाहते हैं? आप कहाँ कहाँ गए? हम तो हर जगह SP साहब के यहाँ गए, DSP साहब के यहाँ, सब भरोसा हमको दिया है कि आपका इंसाफ मिलेगा, अब तक हमारा कोई इंसाफ नहीं मिला है। तो आइए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। रिफत खातून, क्या हुआ आपके शौहर के साथ? आपके शौहर को इंसाफ मिल रहा है कि नहीं? कहाँ मिल रहा है सर, डेढ़ महीना हो गया, कोई इंसाफ मिलवे नहीं कर रहा, 5 को छोटा छोटा बच्चा, 1 बार कोई पूछने नहीं आता है, 12 को हमको अंदाज़ से 12 को फांसी होना चाहिए, हम यही आपसे निवेदन करते हैं। तो अभी कितना दिन हो गया मर्डर को? डेढ़ महीना हो गया सर। तो क्या बोल रहा है पुलिस प्रशासन, क्या बोल रहा है? कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कॉल कर रहा है, आदमी को बता रहा है किस जगह पर है, लोकेशन दे रहा है कि चलिए हमारे साथ, वो आदमी जा ही नहीं रहा। तो आप अभी क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, 12 को फांसी चाहिए, मेरे पति को हथियारों को 12 को फांसी चाहिए, हम यही इंसाफ मांग रहे हैं। आपके पति का? मोहम्मद कुर्बान नदाफ। आपके बच्चे लोगों का नाम क्या है? बड़ी वाली का रुखसार है, छोटी का अफसार है, एगो सबनम है, एगो इकबाल है, एगो सतका है। अच्छा, तो आप प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको जी फांसी चाहिए 12 को। तो 2 की गिरफ्तारी हुई है? तो 2 को मेरा नंदोसी गिरफ्तारी करके दिए हैं, वो नहीं गिरफ्तारी किए हैं। ओके। तो हमरा बउआ के गोली मार दिल के कोई इंसाफ ना प्रशासन चल जाए तो प्रशासनों से है कहे कि थम जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, कितना डेढ़ महीना हो गया, कितना दिन रुको लोग, हमरा बेटा के खिया के पिया के वही जनला गांव में से खेला के उला के ला के वो अपना दूरा पर गोली मार दिल को आसिक, असगर, असलम। ओके। पूरे घर के सदस्य, पूरा घर के उतना के नाव उतना आवे छै दम न है। क्या चाहते हैं? फांसी, ओकरा खलीफा फांसी चाहिए, बउआ के जान के बदला जान। आपका नाम बोलिए। नफीसा खातून। कुर्बान आपके कौन थे? जीजा थे सर। तो आपकी बहन के बच्चे हैं ये सब? जी देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या होगा सर, इस तरह किसी किसी को इतना बेदर्दी से मारा जाता है सर।
इतने बेरहमी से मारे सब, इनको बच्चे का मुंह भी नहीं देख रहा, कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा, सब पैसा खा के बैठे हुए। सर प्रशासन क्या इंसाफ दे रहा है? कुछ इंसाफ नहीं दे रहा है। इंसाफ मिलता तो डेढ़ महीना हो गया, अभी तक कोई पकड़ाया है? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। क्या भाग दौड़ कर रहे हैं? बहुत भाग दौड़, हर रोज तो भागे दौड़ करता है आदमी, कितना दौड़ेगा? लेडीज को लेकर बच्चे इतने हैं, कितनी बार बोलते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, एसपी डीएसपी सारे लोग के पास दौड़ के थक गया आदमी, लेकिन कोई अभी तक कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई दिख ही नहीं रहा कि क्या रिजल्ट आया है। मोहम्मद हीरा मेरा नाम है। क्या हुआ था आज से डेढ़ महीना पहले बसीरुल साहब के बच्चे के साथ, क्या हुआ था? आप देखे थे, कोई गवाह है, आप सुने थे? देखिए, हम लोग तो यहाँ नहीं थे उस स्तर में, हम लोग इस समय बाहर थे, और बाहर के अवसर पे हम लोग आने का समय सोचे थे कि मुहर्रम का टाइम था जिसमें हम लोग घर जाएंगे, मगर उस बीच में हम लोग आने का सोचे तो उस समय हम लोग के पास रात में एक कॉल गया कि इस तरह घटना यहाँ बसीरुल साहब के लड़के के साथ घट गया है। तो हमने फ़ोन करके और जानकारी ली, पता किया, तो मालूम पड़ा कि ये घटना हकीकत ये चीज़ हुई है। तो हमने उसका तहकीकात भी किया कि भाई इस आदमी ने घटना क्यों किया ऐसा, और क्यों उसको ऐसा मारा पीटा मार दिया गोली। पंचायत में किसी पोस्ट पे हैं? हाँ, हम पंच के पोस्ट पे हैं, हम पंच के पोस्ट पे। हाँ, पंच के बोर्ड पे तो हैं। फिर अब तक डेढ़ महीना हो चुका है मर्डर को, तो आप लोगों ने कुछ प्रशासन से मांग डिमांड किया, भागदौड़ किया? प्रशासन से बहुत, बसीरुल साहब बहुत भागदौड़ किए हैं। आपकी बात आपने क्या? मैं इस बीच में यहाँ नहीं था, मैं अभी आने के बाद क्या किया आपने? आने को मुझे अभी आपको दो दिन हुआ है, मेरी तबीयत की जो है स्थिति सही नहीं है, जो मैंने इनसे कहा है, मेरे से इन्होंने कहा मुझसे, तो मैंने कहा कि दो दिन का मुझे टाइम दिया जाए, जो मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँ बढ़िया तरीके से, तो जहाँ तक मुझसे मदद होगा मैं आपकी मदद बहुत अच्छे से करूँगा, और जहाँ तक दिल खोल के मदद करूँगा। बाकी जिसने ये गोली घटने का काम किया और जिसने ये बच्चे को अतीम बनाया, मैं कानून से सख्त सजा की मांग करता हूँ कि सख्त से सख्त उसको सजा हो। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा।